हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। क्लास है आपकी अप्लाइड फिजिक्स। अप्लाइड फिजिक्स में ग्रहों की गति पढ़ रहे थे हम। आज पढ़ेंगे गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटेशन क्या होता है। ग्रेविटेशन सन 1686 में न्यूटन ने बताया, सन 1686 में न्यूटन ने बताया कि इस ब्रह्मांड में द्रव्यमान का प्रत्येक कण दूसरे द्रव्यमान कणों को अपनी ओर आकर्षित करता है। यानी द्रव्यमान का प्रत्येक कण दूसरे कणों को अपनी ओर आकर्षित करता है, अर्थात दो द्रव्यमान कणों के बीच एक पारस्परिक आकर्षण बल कार्य करता है जिसे गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल मतलब गुरुत्व के द्वारा किसी वस्तु को अपनी ओर खींचना, वह गुरुत्वाकर्षण बल होता है। सन 1686 में न्यूटन ने बताया कि ब्रह्मांड में द्रव्यमान का प्रत्येक कण दूसरे कणों को अपनी ओर आकर्षित करता है, यही आकर्षण का गोल गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। सेकंड बात आती है न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम क्या है। न्यूटन ने आकर्षण बल की गणना के लिए एक नियम दिया है जिसे न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम कहते हैं। किन्हीं दो द्रव्यमान कणों के मध्य लगने वाला आकर्षण बल, किन्हीं दो द्रव्यमान कणों के मध्य लगने वाला आकर्षण उनके द्रव्यमान के गुणनफल के बराबर तथा उनके बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। हमने मान लिया M1 और M2 के दो कण हैं जिनके बीच की दूरी R है, तब आकर्षण बल क्या होगा। यानी F डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू मास होता है, F डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू M1 इंटू M2। तथा दूसरी शर्त यह है कि दूरी के वर्ग के व्युत्क्रम दूरी, यानी F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर, इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर, या कह सकते हैं एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/R². तो इस तरह से फॉर्मूला बन के आता है कि एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M1 M2 / R², यानी और जब हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो एफ बराबर जी M1 M2 / R². इस तरह से जी क्या है, एक कॉन्स्टेंट है जिसे गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहते हैं, सार्वत्रिक नियतांक यूनिवर्सल कॉन्स्टेंट कहते हैं। ठीक, इसके बाद आता है न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम के प्रमाण क्या क्या है। तो न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के प्रमाण ये हैं कि यह सार्वभौमिक नियम है जो कि आकाशीय पिंडों के चारों ओर कक्षीय गति को समझता है। यह एक सार्वत्रिक नियम है जो कि आकाशीय पिंडों के चारों ओर कक्षीय गति को समझता है। दूसरा प्रमाण क्या है, इस नियम के आधार पर सूर्य तथा चंद्रमा ग्रहण का पूर्वानुमान वास्तविक घटनाओं से मेल करता है। इस नियम के द्वारा क्या सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण का पूर्व अनुमान वास्तविक घटनाओं से मेल करता है। तीसरी चीज यह है कि समुद्र में ज्वार भाटा, इस नियम के अनुसार चंद्रमा और समुद्र बीच के बीच गुरुत्वाकर्षण के कारण होता है। ज्वार भाटा जो आते हैं वो इसी नियम के द्वारा आते हैं, इसी नियम के अनुसार होते हैं। नेक्स्ट आता है गुरुत्वाकर्षण नियतांक। न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम के अनुसार दो बिंदुओं द्रव्यमान M1 M2 के बीच गुरुत्वाकर्षण बल अभी बताया था F डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू जी M1 M2 / R². यदि M1 और M2 1 kg हो और R 1 हो तो जी बराबर हो जाएगा F। अतः कह सकते हैं गुरुत्वाकर्षण नियतांक उस गुरुत्वाकर्षण बल के बराबर होता है जो एकांक द्रव्यमान के बीच कार्य करता है जबकि उन्हें एकांक दूरी पर रखता है। जी का मात्रक की बात करें तो यहां से फॉर्मूले से निकल आएगा G = F R² / M1 / M2। G = F R² / M1 / M2। जी का मात्रक होता है न्यूटन और R क्या है, दूरी है यानी मीटर, तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा R² है, और M1 M2 kg², तो न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर। ठीक, जी का प्रमाणिक मान होता है 6.67 × 10⁻¹⁻ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। नेक्स्ट आता है ग्रेविटी। ग्रेविटी क्या होती है, गुरुत्व तो पढ़ लिया, गुरुत्वाकर्षण पढ़ लिया, गुरुत्व नहीं पढ़ा। गुरुत्व वह बल है जिससे पृथ्वी किसी वस्तु को अपनी ओर खींचती है। यह बल वस्तु का भार कहलाता है। यह बस वस्तु का भार W = mg होता है ना, तो
जी अगर मास में मल्टीप्लाई कर जाए तो वो क्या कहलाएगा, भार कहलाएगा। इसी बल के कारण ऊपर से छोड़ी गई वस्तु पृथ्वी की ओर गिरती है। नेक्स्ट आता है गुरुत्वीय त्वरण। गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है, किसी स्थान पर गुरुत्वाकर्षण यानी स्वतंत्रता, किसी स्थान पर स्वतंत्रतापूर्वक गिरती वस्तु में गुरुत्व का कारण जो त्वरण उत्पन्न होता है वह उस वस्तु पर गुरुत्वीय त्वरण कहलाता है। इसे जी से प्रदर्शित करते हैं। यह वस्तु के आकार, आयत, आकृति तथा द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। यह द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता, आकार पर निर्भर नहीं करता तथा आकृति पर निर्भर करता निर्भर नहीं करता। दूसरे शब्दों कह सकते हैं पृथ्वी द्वारा किसी एकांक द्रव्यमान की वस्तु पर आरोपित बल को गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। इसका मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर या न्यूटन प्रति किलोग्राम स्क्वायर है। उसके बाद आता है गुरुत्वीय त्वरण जी व गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी में संबंध। तो संबंध इसमें कैसे निकालेंगे, देखो ये एक पृथ्वी है यानी सर्किल में पृथ्वी है, ऊपर कोई पिंड रखा हुआ है एम द्रव्यमान का, तो ऊपर पिंड रख है एम द्रव्यमान को, मान लिया हमने कि पृथ्वी का द्रव्यमान एम ई अर्थात मास एम ई है तथा रेडियस क्या आर ई है। पृथ्वी का पूर्ण गोलाकार मानकर उसके समस्त द्रव्यमान को उसके केंद्र पर केंद्रित माना जा सकता है। माना कि एम द्रव्यमान की एक वस्तु पृथ्वी की सतह पर रखी हुई है। पृथ्वी द्वारा वस्तु पर आरोपित गुरुत्वाकर्षण बल क्या हो जाएगा, एफ इक्वल टू जी एम ई एम अपॉन आर ई स्क्वायर। यह वस्तु में जो त्वरण उत्पन्न होता है उसी को गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। यह बल वस्तु में जो त्वरण उत्पन्न करता है उसी को हम गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं यानी जी कहते हैं। इस प्रकार जी इज इक्वल टू आ जाएगा एफ अपॉन एम यानी जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर, जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर। जी का मान वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता, ये बात पहले ही बता चुके हैं। पृथ्वी की तरह प्रत्येक ग्रह तथा उपग्रहों की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण जी पी इज इक्वल टू जी एम पी अपॉन आर ई आर ई आर पी स्क्वायर, जहाँ एम पी संबंध ग्रह का द्रव्यमान तथा आर पी उसकी त्रिज्या है। इसी प्रकार हम उपग्रहों की गति की बात करें तो जी एस इज इक्वल टू जी एम एस अपॉन आर एस स्क्वायर। एम एस क्या है, उस ग्रह का द्रव्यमान, आर एस उसकी त्रिज्या। नेक्स्ट आता है जी के मान में परिवर्तन। जी के मान में परिवर्तन कैसे होता है, हम जानते हैं कि पृथ्वी क्या है, गोलाकार है, गोलाकार है। पृथ्वी पूर्व गोलाकार मानने पर उसकी सतह पर जी का मान निम्न सूत्र से हम ज्ञात कर प्राप्त करते हैं, जी इज इक्वल टू जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर। वास्तव में वस्तु का आकार पूर्ण गोलाकार ना होकर दीर्घवृत्त अंडाकार टाइप की होती है पृथ्वी। प्रत्येक स्थान पर पृथ्वी की त्रिज्या आर ई एक समान ना होकर भिन्न भिन्न होती है। इसके परिणामस्वरूप पृथ्वी तल पर जी का मान भी स्थान स्थान पर बदलता रहता है। त्रिज्या बदलने के कारण उसका मान भी बदलता रहता है। जिस पृथ्वी पर के ध्रुवों जहाँ त्रिज्या आर ई का मान न्यूनतम होता है जी का मान अधिकतम होगा। रेडियस कम होगी तो जी बढ़ जाएगा, रेडियस अधिक तो जी का मान कम हो जाएगा। ध्रुवों पर क्या होता है, रेडियस कम होती है तो जी का मान बढ़ जाता है। विषुवत रेखा पर क्या होता है, रेडियस का मान अधिक होता है तो जी का मान, अतः कह सकते हैं विषुवत रेखा पर उसकी त्रिज्या ध्रुवों की त्रिज्या से लगभग 21 किलोमीटर अधिक होती है। विषुवत रेखा पर इक्वेटर पर उसकी त्रिज्या ध्रुवों की त्रिज्या से यानी पोल की त्रिज्या से 21 किलोमीटर अधिक होती है। नेक्स्ट बात करें पृथ्वी से ऊंचाई पर जी के मान में क्या परिवर्तन आता है। पृथ्वी से ऊपर जाने पर जी के मान में कितना परिवर्तन आता है या पृथ्वी से नीचे जाने पर कितने मान परिवर्तन आता है, तो मान लिया हमने, देखो इधर डायग्राम चित्र जहाँ चित्र फोर लिख रहा है, मान लिया कोई एम ई द्रव्यमान की पृथ्वी है जिसकी त्रिज्या आ रही है और वो किसी बिंदु को पी से पी पर कोई पॉइंट पी है उस पर हमें परिवर्तन देखना है कितना होगा। यदि मान लिया पृथ्वी का द्रव्यमान एम ई तथा त्रिज्या आ रही है तो पृथ्वी तल पर जी का मान क्या होगा, जी एस इजिकल टू जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर। पृथ्वी की सतह से एच ऊंचाई पर जी का मान जी एच इजिकल टू जी एम ई अपॉन आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर। समीकरण फर्स्ट से सेकंड को डिवाइड कर दो, जी एस अपॉन जी एच, जी एच अपॉन जी एस, जी एम ई अपॉन आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर इंटू आर ई स्क्वायर अपॉन जी एम ई, डिवाइड कर दिया। डिवाइड करने पर यह आएगा
डिवाइड करने पर आ जाएगा जी एच इज इक्वल टू जी एस वन प्लस एच अपॉन आर ई स्क्वायर। अगर जी एच ग्रेटर है जी एस से, ऑब्वियसली बड़ा ही होगा, तो उपरोक्त सूत्र से स्पष्ट है कि पृथ्वी तल से h ऊंचाई बढ़ने पर जी एच का मान घटता है। जितनी ऊंचाई बढ़ोगे उतना क्या होगा, ग्रेविटी घटेगी। h का मान अधिक होने पर जी एच का मान शून्य हो जाता है, बहुत अधिक होने पर जी एच का मान शून्य हो जाता है, ग्रेविटी शून्य हो जाती है। अगर हम बात करें पृथ्वी के तल के नीचे जाने पर क्या होगा, पृथ्वी के सतह के अंदर जाने पर जी का मान में क्या परिवर्तन होगा, तो देखो ये नेक्स्ट डायग्राम है, चित्र 5 में। मान लिया हमने कि पृथ्वी की सतह पर जी का मान निम्न है, जी एस इजिकल टू जी एम ई अपॉन आर स्क्वायर, एम ई क्या है पृथ्वी का द्रव्यमान, आर ई उसकी त्रिज्या है। यदि पृथ्वी के पदार्थ का औसत घनत्व डी है तब जी एम ई, तब एम ई इजिकल टू क्या हो जाएगा, मास ऑफ अर्थ 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन डी। जी एस क्या हो जाएगा, जी एस इजिकल टू जी एम ई, एम ई क्या है 4/3 पाई आर क्यू अपॉन डी अपॉन आर ई स्क्वायर। इस तरह से निकालेंगे 4/3 आर स्क्वायर से आर क्यूब कैंसिल हो जाएगा, आर बचे आर ई बचेगा 4/3 पाई जी आर ई अपॉन डी। ठीक, अब मान लिया हमने, माना कि पृथ्वी की सतह के बिंदु ए से एच के बिंदु बी पर गुरुत्वीय त्वरण का मान जी एच है। जहाँ पर पॉइंट बी है उस पर मान लिया कि उस पर जी एच है गुरुत्वीय त्वरण, बिंदु बी पर मान लिया गुरुत्वीय त्वरण जी है, जी एच है, और उसका द्रव्यमान मान लिया एम ई डैश है, तो त्रिज्या क्या हो जाएगी, एच माइनस हो जाएगी, यानी आर ई माइनस एच। तो तब तब क्या होगा, पृथ्वी तल से गहराई पर जी का मान क्या होगा, जी एच मान लिया जी एच, जी एम ई डॉट अपन आर ई माइनस एच स्क्वायर, इस तरह से निकाल लेंगे और जी एच को जी एस से डिवाइड कर देंगे, जी एच बाई जी एस इस तरह से निकालेंगे तो हमारा आ जाएगा ये निकल के आ जाएगा जी एस वन माइनस एच अपॉन आर ई एंड जी एच लेस देन जी एस, एंड जी एस का मान ज़्यादा होगा, जी एस का मान ज़्यादा होगा अर्थ है पृथ्वी की सतह से केंद्र की ओर जाने पर जी का मान घटता है, जी का मान घट रहा है नीचे आने वाले, केंद्र पर जाने पर h बराबर आर ई हो जाएगा, यानी जी एच इक्वल टू जीरो। जी के मान में परिवर्तन से स्पष्ट है कि जी का मान पृथ्वी की सतह पर अधिकतम होता है, उससे ऊपर अंदर जाने पर मान घटता है। भाई पृथ्वी से ऊपर जाएंगे तब भी मान घटेगा, पृथ्वी के अंदर जाएंगे तब भी मान घटेगा। नेक्स्ट आता है जी के मान में पृथ्वी की अपने अक्ष पर घूर्णन का क्या प्रभाव होता है, तो हम जानते हैं कि पृथ्वी अपनी अक्ष पर एक निश्चित कोणीय वेग ओमेगा से घूमती है, पृथ्वी तल पर प्रत्येक तल पर स्थित प्रत्येक वस्तु भी उसी वेग से घूमती है। हम जानते हैं कि किसी कण को आर त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर ओमेगा चाल से घूमने के लिए आवश्यक अभिकेंद्र बल एम बी स्क्वायर अपॉन आर बराबर हो जाएगा एम आर अपॉन ओमेगा स्क्वायर होता है। इसी कारण उत्पन्न त्वरण की दिशा वृत्त के केंद्र की ओर होती है, यह त्वरण पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण से ही प्राप्त होता है, जिसके कारण पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण में कमी आती है। गणितीय रूप से सिद्ध करते हैं कि जी डैश इक्वल टू जी माइनस आर ई ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर लेमडा, जहाँ पर लेमडा क्या है, एक अक्षांश कोण है, विस्तृत रेखा पर गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है, जी डैश इक्वल टू जी माइनस आर ई ओमेगा स्क्वायर, अगर लेमडा हमारा जीरो हो तो। जी का प्रमाणिक मान की बात करें तो जी का प्रमाणिक मान होता है 7 ध्रुवों पर कितना होगा लेमडा, अगर ध्रुवों पर लेमडा वाला 90 होता है एंड जी डैश बराबर जी होता है, अधिकतम होता है, और पृथ्वी का कोणीय वेग कितना होता है 7.27 × 10⁻¹⁵ रेडियन प्रति सेकंड। ओमेगा इजिकल टू 2π/T होता है, 2π/22/7 टी हमने 24 घंटे के लिए लगा दिया, उसको सेकंड में चेंज कर लो। नेक्स्ट आता है उपग्रह, उपग्रह हमने कल बता दिया था, उपग्रह वह आकाशीय पिंड है जो स्वतः प्राकृतिक रूप से किसी ग्रह के चारों ओर चक्कर लगा घूमता है या चारों ओर चक्कर लगाता है, या फिर जिसे किसी तरह किसी ग्रह के चारों ओर कृत्रिम रूप से घुमाया जाता है, यह दो प्रकार का होता है, प्राकृतिक और मानव निर्मित। प्राकृतिक ग्रह वह होते हैं, यह एक आकाशीय पिंड होते हैं, और मानव निर्मित
या कृत्रिम उपग्रह भी होते हैं, आकाशीय पिंड तो होते हैं, तथा जैसे पृथ्वी तथा अन्य ग्रहों के चारों ओर निश्चित कक्षा में निश्चित आवर्तकाल में घुमाया जाए वह कृत्रिम उपग्रह कहलाते हैं, कृत्रिम उपग्रह कहलाते हैं। उपग्रह की कक्षीय चाल की बात करें हम, उपग्रह की कक्षीय चाल क्या होती है, माना चित्र के अनुसार मानना है, माना कि एम द्रव्यमान का पृथ्वी एम द्रव्यमान का उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर आर्थ त्रिज्या की कक्षा में विनोट चाल से घूम रहा है। उपग्रह द्वारा लगाया गुरुत्वाकर्षण क्या होगा, एफ बराबर जी एम ई एम अपॉन आर स्क्वायर, जहाँ आर क्या है उपग्रह की वृत्तीय कक्षा की त्रिज्या है, अतः एम बी नॉट स्क्वायर अपॉन आर इजिकल टू हो जाएगा जी एम ई एम अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ से वी नॉट निकालेंगे, वी नॉट इजिकल टू होता है जी एम ई अपॉन आर, अंडर रूट जी एम ई अपॉन आर। या कह सकते हैं यदि पृथ्वी की त्रिज्या आर ही है तथा एच उपग्रह की पृथ्वी तल से ऊंचाई है, तो आर बराबर क्या हो जाएगा आर ई प्लस एच, तो हम कह सकते हैं कक्षीय चाल वी नॉट क्या हो जाएगी वी जी एम ई आर ई प्लस अंडर रूट जी एम ई अपॉन आर ई प्लस एच स्क्वायर, ये कक्षीय चाल कहलाएगी, कक्षीय चाल हो गई। यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण जी है तो जी इजिकल टू क्या हो जाएगा जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर, जी यहाँ से जी एम ई इजिकल टू क्या हो जाएगा जी एम ई इजिकल टू जी आर ई स्क्वायर, जी आर ई स्क्वायर हो जाएगा। तो यानी कि वी नॉट इक्वल टू आ जाएगा आर ई अंडर रूट जी आर ई प्लस एच, जी आर ई प्लस एच। थैंक यू क्लास, आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे हम भू स्थिर उपग्रह पलायन वेग किसे कहते हैं। पलायन वेग तो आपको पता ही है, वह न्यूनतम वेग जो किसी वस्तु को ऊपर फेंकने पर वह पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बाहर चली जाए और लौटकर वापस नहीं आती है, पलायन वेग कहलाता है। इसकी डिटेल में बात हम कल करेंगे। थैंक यू क्लास।